देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। देखो दो तीन लड़के हो तुम दलों से ज्यादा शक्ति बैठ जाओ वहीं पे, ए हटो बैठाओ उनको। बहस नहीं हो रहा है, टीवी अखबार में अगर बहस चलेगी तो वो बहस चलेगी जिस मुद्दे से जनता का कोई सरोकार है। जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं उस पर कोई बहस नहीं। जैसे ही रोजगार की बात आएगी वैसे ही कोई नया समस्या छोड़ दिया जाएगा। इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि 400 का सिलेंडर 1200 में हो गया, 58 रुपए लीटर डीजल जो बिकता था वो 90 रुपए का। इस बात पर कोई चर्चा नहीं है कि 65 रुपए लीटर का पेट्रोल देश में 100 रुपए लीटर बिकता था। इसलिए साथियों जरूरत इस बात की है कि संजीदगी से वोट में हिस्सा लेने से पहले आप इन सवालों पर गौर करें। आज देश के क्या हालात हैं? भारत दुनिया का एक विशाल देश है, कहा जा रहा है कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं और भारत के पास अपनी एक एयरलाइन नहीं है। श्रीलंका के पास एयरलाइंस है, ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस नहीं थी, एयरलाइंस थी भारत में, लेकिन विश्वगुरु का सपना दिखाने वाले नरेंद्र मोदी ने भारत की एयरलाइंस को टाटा के हाथ बेच दिया। बिक गई एयरलाइंस, देश की जनता सोच ही नहीं पा रही कि आज भारत को जिसको आपने कहा था हम विकसित राष्ट्र बनाने जा रहे हैं, दुनिया में तीनी कैटेगरी है राष्ट्रों की, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र और तीसरी कैटेगरी के राष्ट्र वो है जो अनुदानों पर और कर्जों पर जीने वाला है, चौथी कोई कैटेगरी नहीं। भारत विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में था दुनिया के पैमाने पर। नरेंद्र मोदी जी आपकी उपस्थिति में आपके रहते हुए और आपकी कृपा से और आपकी गलत नीतियों के चलते आज भारत, आपने कहा था एक श्रेणी उठा करके हम उसको ले जाएंगे विकसित राष्ट्र बनाएंगे। अब्दुल कलाम आजाद ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले दिन भारत की जनता का आह्वान किया था कि हम सब संकल्प लें कि भारत को विकासशील राष्ट्र की श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ले जाएंगे। वो राष्ट्र, वो देश जो जापान है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, ये विकसित राष्ट्र हैं। हम भारत को भी उस श्रेणी के उस कैटेगरी में पहुंचाएंगे। लेकिन मोदी के 10 साल के शासन में हम इतना आत्मनिर्भर हो गए कि हम अब विकासशील राष्ट्र भी नहीं लगे, हम वो तीसरी श्रेणी। अब तीसरी श्रेणी जिसमें बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, उस श्रेणी में घसक के पहुंच गए जो अनुदानों पर निर्भर है, जो कर्जों पर निर्भर है। लेकिन इस सवाल को मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। उन तीसरी श्रेणी में भी जो है उनके पास भी अपनी एयरलाइंस है, पीआईए है पाकिस्तान के पास, श्रीलंका के पास भी एयरलाइंस है, श्रीलंकन एयरलाइंस, बांग्लादेश के पास एयरलाइंस है, विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन अपनी एयरलाइंस को भी टाटा को बेच दिया। इंग्लिश मीडियम से आधुनिक शिक्षा को ग्रहण करने वाला बच्चा जब ऊपर जाएगा तो उन्हें पढ़ करके हाई स्कूल करेंगे, इंटर करेंगे और देश में किसी पद के लिए अगर कोई वैकेंसी आउट होगी तो पर्चा एक बनेगा, परीक्षा एक होगी। कभी भी जो ये प्राइमरी स्कूल जो सरकारी शिक्षा दे रहे हैं मोदी जी और देश की सरकार, ये सरकारी स्कूलों से जो सड़क के पहुंच रहे हैं बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे, इनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड और जो प्राइवेट स्कूलों से पहुंच रहे हैं उस प्रोग्राम पर उनके पढ़ाई के स्टैंडर्ड में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। नतीजा होता है अगर कहीं कोई वैकेंसी है, कहीं कोई कंपटीशन है, तो ये जो सरकारी स्कूलों
बच्चों के खाते में, जो गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में, उनके नसीब में ना कोई बफर कुशन है, ना कोई नौकरी है, ना भविष्य है उनका। और आत्मनिर्भर है, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज उड़ाएंगे, हवाई जहाज ही भेजेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे। अब हमारे धंधा भाई साहब ने काम दिया था कि जरा पता करके बताइए भाई, आप जिला उत्तर प्रदेश में किस स्टेशन पे चल रही है ट्रेन, अपने स्टेशन पे पहुंच रही है, अगर हम लोग चढ़ ना सके कम से कम देख लो ले ट्रेन को कि ये बुलेट ट्रेन था। कोई पूछेगा मोदी से? हमारे मीडिया के भाई ये सवाल नहीं करेंगे कि मोदी जी बुलेट ट्रेन का सपना क्या हुआ? 10 साल में आपने जो वादा किया था, कोई भी जो वादा बता दो जो पूरा हुआ। आपने कहा था स्विस बैंक में 280 लाख करोड़ रुपया भारत का छुपा कर चुरा कर ले जाकर रखा गया, सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर वो पैसा निकाल के लाएंगे, और जब तक का खाता खोल के रेडी रहिएगा और सबके खातों में धनाधन धनाधन पहुंचाएंगे। इंतजार कर देना कह लोग, खाता खोल के बैंकों में लाइन लगाएगा कह लोग, कहीं नहीं पहुंचा, कहीं नहीं पहुंचा। आप सब जब आपसे खाते रहो, मुल्क के हालात बद से बदतर हो गए। मैं इस मौके पर हमने पार्लियामेंट में ये शेर पढ़ा था और उस शेर को यहाँ दोहराना चाहता हूँ। इस तरह से आज मुल्क के हालात है, ये भारत है, यहाँ वादों की खेती लगा है। मैं पार्लियामेंट में पढ़ा हूँ शेर, ये भारत है, यहाँ वादों की खेती लहराती है, अब फेदा सरकार की बस शब्द की मूर्ति लुटाती है, और वहाँ फुटपाथ पर मजदूर की तकलीफ होती है, और यहाँ कागज में जन्नत होती है, यहाँ कागज में जन्नत। सपना दिखाइए भारत को, सपना दिखाइए, विश्व गुरु बनाइए, और भारत कर्ज के बोझ से दबा जा रहा। 51 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज का बोझ था मोदी जी आपके 10 साल के शासनकाल में, ये कर्ज का बोझ 4 गुना बढ़ गया। आज भारत के ऊपर 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। आपने कहा था मोदी जी कि हम देश की व्यवस्था को पूरी ईमानदारी से चलाएंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। मैं एक चौकीदार की ड्यूटी दूंगा और एक पत्ता भी बेईमानी से नहीं मिलेगा। आज देश की जनता कुछ नहीं सोचत पर हमारे मीडिया के भाइयों क्यों भूल गए? जनता भी भूल गई क्या? नीरव मोदी का नाम याद है किसी को? कितने लोग को याद है? हाथ उठाइए। ये देवता नीरव मोदी और ललित मोदी, उनको भी याद है? बहुत कम लोगों को याद है क्या? याद है। और विजय माल्या याद है? ये किंग फिशर। मेहुल चौकसी 13 हजार करोड़, विजय माल्या 9 हजार करोड़, ललित मोदी 8 हजार करोड़, नीरव मोदी 7 हजार करोड़। चौकीदार चौकीदारी कर रहा और खजाने से माल गायब, और भागा भी तो गोरा बाजार नहीं भागा, इकट्ठे भाग गया एकदम लिए लंदन अमेरिका, और वहां जाके कदम में डांस कर रहे हैं दारू पी करके। सैया भैया कोतवाल अब चरका है, कंगाल कर दिया भारत के खजाने को, वहां कह रहा है कौन अब पकड़ने आने वाला है। लंदन की अदालत में उसने अपना बयान दिया कि हम भागे थोड़ी हैं, आधा कमीशन ले लिया था हमसे सत्ताधारी दल के नेताओं ने, और जब भेद खुल गया तो हमको भगाया गया, हमको पासपोर्ट दिया गया, हमको जहाज में बैठाया गया। क्लियरेंस के बगैर वो जा सकता है देश के बाहर? जा सकता है।